ई डेमिशेस पर आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और मसालेदार बैंगन की सब्जी। हम जो पतले वाले लंबे बैंगन होते हैं आज उसकी सब्जी बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे एक बार इस तरह से घर पर जरूर बनाकर देखें। इस तरह से बनी बैंगन की सब्जी का स्वाद ऐसा है कि जिसको अगर बैंगन खाना नहीं भी पसंद हो तो एक बार इसे खाने के बाद वो अगली बार इसे जरूर से खाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम ये बैंगन की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये इस तरह के बैंगन लिए हैं। आप देखिए ये एकदम पतले वाले हैं और लंबी साइज के बैंगन हैं ये, और मार्केट में इन्हें देसी बैंगन भी कहा जाता है। बैंगन के साथ ही मैंने दो आलू भी लिए हैं जिन्हें मैंने छील कर रखा है। इस तरह के जो बैंगन होते हैं ये ज़्यादा बीज वाले नहीं होते हैं, साथ ही इन्हें पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसके हम पीसेस कट करेंगे। तो पहले ये जो डंठल है इसके ये जो तने हैं ये मैं थोड़े से चाकू से साफ कर रही हूँ, कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ये डंठल हटा सकते हैं। मैं कुछ बैंगन की डंठल रहने दूंगी और कुछ की मैं हटा दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका ऊपरी हिस्सा कट किया है। अब हम इसमें चाकू से एक स्लिट लगा देंगे, इस तरह से एक चीरा लगा लेंगे इसमें। इससे एक तो हमें इसके अंदर का हाल पता चलेगा कि कहीं ये अंदर से ख़राब तो नहीं है। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कीड़ा वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही बैंगन है ये, और एक इसकी कुकिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो अब इसके हम इस तरह से लंबाई में पीसेस कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो थोड़ी सी और छोटी साइज में इसके पीसेस कट कर सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से मैं ये सारे बैंगन कट कर लूँगी, और ये जो हमने आलू लिया है इसके भी हम बड़े पीसेस कट कर लेंगे। हमें ज़्यादा छोटी साइज में इन्हें नहीं काटना है, आप चाहें तो लंबाई में इन्हें कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसके टुकड़े कर रही हूँ। अब गैस पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है, जिसमें मैं ये 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल रही हूँ। इसे हमें पहले अच्छे से धुआं उठने तक गर्म करना है, और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसमें ये जो बैंगन हमने कट किए हैं ये डाल देंगे और इन्हें हम फ्राई करेंगे। बैंगन को इस तरह से सरसों के तेल में फ्राई करने के बाद जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो बैंगन में अपना खुद का बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। अब बैंगन के साथ ही हम इसमें ये आलू के टुकड़े भी डाल देंगे, और बैंगन और आलू को हम साथ में ही इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह से इन्हें फ्राई कर लेंगे, लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चम्मच से चलाते रहेंगे और अच्छे से इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब हमारे ये जो बैंगन और आलू हैं इन्होंने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया है, और लगभग ये 50 से 60% तक कुक हो चुके हैं। बाकी हम इन्हें मसाले में पकाएंगे। तो निकाल लेते हैं इन्हें इस तेल में से और एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक ये मिक्सी का जार लिया है, जिसमें मैं ये 2 प्याज के टुकड़े डाल रही हूँ। इसके मसाले के लिए हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो प्याज के साथ ही इसमें मैं ये 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल रही हूँ। अदरक हमें इसमें ज़्यादा नहीं लेना है, तो इस तरह से अदरक के भी मैंने टुकड़े करके लिए हैं। और इसी के साथ ये एक जो पूरी लहसुन की गांठ होती है उसकी कलियां मैंने ली है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पीस कर अच्छे से इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। इधर कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है इसमें हम डालेंगे ये 10 से 12 काली मिर्च के दाने, 4 से 5 लौंग, 2 हरी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन्हें हमें तेल में थोड़ा सा सोते करना है, और इन्हीं के साथ इसमें हम डाल देंगे ये 2 तेज पत्ते। इन खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए इसके लिए हम इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे, और फिर इसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाने के लिए और टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/2 टीस्पून मेथी दाना, मेथी के जो सूखे दाने होते हैं वो, और हल्का सा इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। अब जो प्याज लहसुन और अदरक को पीस कर हमने जो पेस्ट बनाया है वो हम इसमें धीरे से डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को बनाते टाइम पर आप एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो तेल में डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा छींटे उछलेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। जब हम कभी भी कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें जितना अच्छे से हम मसालों को भूनते हैं उतना ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आता है, और इस सब्जी में भी ऐसा ही है। इसमें जो प्याज है, लहसुन है, उसकी हमें इस तरह से भुनाई करनी है कि इनका कलर चेंज हो जाए, इनके किनारों पर तेल निकल कर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आए और इनमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो मैंने अच्छे से इस पेस्ट को भून लिया है, आप देख ही सकते हो। अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। इसी के साथ ये 2 चम्मच
धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। और इन मसालों को डालते टाइम पर हम धीमी आंच पर गैस फ्लेम को कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और इन मसालों के साथ ही मैं इसमें ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और अच्छे से इन मसालों को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब इसमें मैं ये 2 टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ। तो मैंने 2 टमाटर के टुकड़े करके उसे मिक्सी में पीस कर उसकी प्यूरी बनाई है और इसे भी मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भी हमें अच्छे से फिर से भुनाई करनी है। तो एक बार ही इसे मसाले में पहले मिला लेंगे और फिर हम इसे ढक्कन से ढक कर पकाएंगे धीमी आंच पर। तो मैंने इस मसाले में अच्छे से बीच बीच में चम्मच चलाते हुए इसे पकाया है और अब आप देख सकते हो कि टमाटर का जितना भी पानी था वो सूख चुका है और इस मसाले में से तेल भी अलग होने लगा है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि हमारी जो सब्जी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अब इसमें जो हमारे बैंगन और आलू है ये हम इसमें डाल देंगे और इनके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैंने इसमें बैंगन के साथ आलू का भी इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ बैंगन से इस सब्जी को बना सकते हैं लेकिन आलू के साथ इसका कॉम्बिनेशन और अच्छा हो जाता है। तो मसाले में हम ये नमक को और बैंगन आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम 3/4 कप यानी कि 1/4 कप गर्म पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे क्योंकि हमने बैंगन को और आलू को पहले थोड़ा सा फ्राई किया है तो ये आधे पक चुके हैं। अब हमें इस तरह से इसे मसाले के साथ ग्रेवी में पकाना है। तो इसे हम ढक्कन से ढक कर पकाएंगे ताकि इनकी जल्दी से कुकिंग हो जाए और अच्छे से बैंगन के और आलू के सॉफ्ट हो जाने तक हम इसे कुक करेंगे। इसमें लगभग 5 से 7 मिनट लगे हैं और अब आप देख सकते हो कि सब्जी में से तेल सेपरेट होने लगा है, साथ ही साथ जो बैंगन और आलू है ये भी सॉफ्ट होने लगे हैं। एक बार हल्के से हम इसमें चम्मच चला देंगे और इसमें जो हमने खड़े मसालों का तड़का लगाया है उसकी वजह से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर है। पर इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो मैंने इसमें ये 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने हाथों से क्रश किया है, साथ ही ये 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर डाला है मैंने। ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा आधा चम्मच डालेंगे इन्हें और अच्छे से इन्हें भी हम सब्जी में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको इस सब्जी को थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का रखना है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं। मुझे इसे थोड़ा सा लिटपिटा मसालेदार ही रखना है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम फिर से ढक्कन से ढक देंगे और 2 मिनट के दम पर हम इसे और पकाएंगे। तो ये लीजिए, ये हमारे लंबे वाले बैंगन की बहुत ही टेस्टी सब्जी बन गई है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और इसका टेस्ट तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अब इसमें 4 चांद लगाने के लिए और थोड़ा सा इसे हरा भरा बनाने के लिए इसमें हम बारीक कटा हुआ ताज़ा हरा धनिया डाल देंगे। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर लच्छा पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी खाने में ये बहुत अच्छे लगेंगे। अब ये जो तेज पत्ते हैं ये मैं इसमें से निकाल देती हूँ क्योंकि इनका सारा फ्लेवर हमारी सब्जी में आ चुका है। और अब जल्दी से गर्मा गर्म हम ये हमारी बैंगन की सब्जी को सर्व करेंगे। इस तरह से आप भी ये वाले बैंगन की बहुत ही मसालेदार और स्वादिष्ट सब्जी बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सबको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस लंबे वाले बैंगन की सब्जी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।